हेलो आज नमस्कार। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र का इंट्रोडक्शन किया था, उसके कुछ पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था। तो इससे अभी उससे आगे उसका जो फर्स्ट पार्ट आता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले यूट्यूब पर मेरे चैनल का नाम फिजिक्स वाई सतीश चंद। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। इसमें कुछ बच्चों के ऐसे कमेंट आ रहे थे तो मैं आपको कुछ इसमें एक पॉइंट बता देता हूँ पहले एक्स्ट्रा, कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। तो यहाँ से मैं आपको आज का स्टार्टिंग पॉइंट बताता हूँ एक्स्ट्रा में। यहाँ पे कंपेरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास, अर्थात इसको बोल सकते हैं हम द्रव्यमान व आवेश की तुलना, कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जी ये दोनों जो चार्ज और मास होते हैं, ये दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं और किसी भी बॉडी की बेसिक क्वालिटीज होती हैं, अर्थात दोनों ही अदिश हैं और दोनों ही किसी भी वस्तु के जो हैं वो मूलभूत गुण होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें मैं यहाँ पे सबसे पहले डालता हूँ जैसे एक साइड में चार्ज और दूसरी साइड में डाल देता हूँ मास। यहाँ से तो आपको इनको समझना है कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये आ जाता है नंबर एक पे, यहाँ पे फर्स्ट पे, कि चार्ज जो है वो एक डेराइव्ड क्वांटिटी है, डेराइव्ड क्वांटिटी है, अर्थात ये एक व्युत्पन्न राशि है, ठीक है ना, राशि है, क्योंकि क्यू इज इक्वल टू इसका सिंबल क्यू है चार्ज का और मास का सिंबल आता है आपका एम है। तो क्यू इज इक्वल टू यहाँ से आ जाता है आई टी, तो इसकी आपका मात्रक आता है, इसका यूनिट आता है एम्पियर सेकेंड। और अगर हम बात करते हैं मास की, तो मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है ना, जैसा कि हम 11th क्लास में भी पढ़ते हैं कि इट इज़ ए फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब होता है ये एक मूल राशि है और इसका यूनिट होती है आपकी केजी, ठीक है ना। तो ये तो इनमें वेरिएशन पहला था, फर्स्ट था, और दूसरा इनकी कंपेरिजन करता हूँ सेकेंड वन आपका क्या है, कि यहाँ से दूसरा पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, ठीक है ना। ये आपको समझना है कि चार्ज आवेश जो है कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि द्रव्यमान के बिना आवेश का होना संभव है, आवेश नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अर्थात ऐसा कोई भी पार्टिकल या ऐसा कोई भी बॉडी इम्पॉसिबल है जिस पर मास जीरो हो बट लेकिन चार्ज हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ इम्पॉसिबल है, दैट मीन्स चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, जबकि इसमें इसका उल्टा है कि मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, अर्थात आवेश के बिना द्रव्यमान संभव है, किसी बॉडी पर या किसी पार्टिकल पर ऐसा हो सकता है कि उसका चार्ज जीरो हो बट लेकिन उसके पास मास फिर भी हो, बट इसका जो वाइस वर्सा है वो इम्पॉसिबल है, दैट मीन्स चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ से आपको बताता हूँ इनमें जो कंपेरिजन होती है। तो थर्ड पॉइंट आता है आपका कि चार्ज इज कंजर्व, ठीक है ना, अर्थात आवेश संरक्षित है। इस चीज को आप समझ सकते हैं कि जो चार्ज है वो आपका कंजर्व है, अर्थात किसी भी सिस्टम पर, अर्थात टोटल अगर हम यूनिवर्स की भी बात करते हैं तो चार्ज ओनली एक्सचेंज फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, अर्थात ये एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आता है लेकिन कुल आवेश का मान स्थिर होता है। जबकि यहाँ पर क्या है कि इसमें आपका पॉइंट आ जाता है कि मास इज नॉट कंजर्व, अर्थात ये संरक्षित नहीं है, क्योंकि आपको पता है आइंस्टीन का इक्वेशन आता है इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर के अकॉर्डिंग। तो ये हमें समीकरण बताता है कि मास एंड एनर्जी कैन
कन्वर्ट इनटू ईच अदर, ठीक है ना। फोर्थ वन कंपैरिजन यहाँ पे हम करते हैं कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन पोजिशन ऑफ रेस्ट और मोशन, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या है कि यह गति या विराम की अवस्था से स्वतंत्र होता है। इसको आपको समझना है अच्छे से, ठीक है, कि जो चार्ज की वैल्यू है कोई भी वस्तु, चाहे भले वो विराम में हो या उसके पास कोई चाल हो अर्थात स्पीड हो, कोई वेलोसिटी हो, तो उस चीज़ से, उस फैक्टर से जो चार्ज जो होता है, वो आवेश जो होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। अर्थात चार्ज की वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं होगा, चाहे भले बॉडी स्थिर हो या फिर वो किसी भी चाल से जा रही हो। अर्थात चार्ज जो है वो इन दोनों पोजिशन से इंडिपेंडेंट होता है। जबकि इसमें मास में क्या आ जाता है, फोर्थ वन पॉइंट इसी के कंपेयर में, कि मास डिपेंड्स ऑन पोजिशन ऑफ रेस्ट और मोशन, अर्थात ये गति या विराम की अवस्था पर डिपेंड होता है, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि विराम या गति की अवस्था पर निर्भर होता है। अब मैं आपको एक चीज़ और एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि कोई भी बॉडी का जो मास है उसके टाइप दो आ जाते हैं। थोड़ा यहाँ से वह एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसमें एक आ जाता है आपका रेस्ट मास और दूसरा आ जाता है आपका डायनेमिक मास, ठीक है ना। इसको बोलते हैं विराम द्रव्यमान और इसको बोलते हैं गतिक, ठीक है ना। इसमें क्या है कि इसका जो कंपेयर वाला पॉइंट था चार्ज में, कि चार्ज की जो वैल्यू होती है वो उसकी गति की अवस्था से या स्थिर की अवस्था से इंडिपेंडेंट है, अर्थात उसकी वैल्यू फिक्स होती है। जबकि मास में क्या है कि जब कोई बॉडी के पास कोई वेलोसिटी आती है तो उसका मास इंक्रीज हो जाता है, अर्थात पहले से बढ़ जाता है जब वो स्थिर अवस्था में होता है, ठीक है ना। अगर इसका सिंबल मानता हूँ मैं एम डी और इसका सिंबल मानता हूँ एम नॉट, तो इन दोनों में आता है कि एम डी इज इक्वल टू एम नॉट और रूट में 1-V² / C² के हिसाब से, ठीक है ना। तो इसका अर्थ हुआ कि जो कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी होती है, कोई भी चीज़ होती है, उसका जो मास होता है वो उसकी गति या विराम की अवस्था पर डिपेंड होता है। अर्थात जब वो स्थिर होती है तो उसका मास कम होता है, और जब उसके पास कोई वेलोसिटी होती है तो उसका मास पहले से इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर ये क्या है, स्पीड ऑफ बॉडी है यहाँ पे, और ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट एंड वैक्यूम, ठीक है ना। इसके बाद आपका फिफ्थ वन पॉइंट में आपको यहाँ से बताता हूँ, फिफ्थ वन पॉइंट आता है यहाँ से कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज क्लियर, अर्थात आवेश का क्वांटीकरण हो चुका है। आवेश का क्वांटीकरण हम सब लोग जानते हैं, और जो चार्ज का जो पॉइंट आता है उसमें हम पढ़ते भी हैं कि आवेश का क्वांटीकरण, अर्थात किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के पूर्ण गुणज के रूप में होती है, अर्थात इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है ना। अर्थात कोई भी चीज़ पर जो आवेश होगा वो क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी के बराबर होगा। जबकि मास वाले केस में यहाँ पर आ जाता है कि द क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज नॉट येट क्लियर, अर्थात इसका अभी तक क्वांटीकरण नहीं हो पाया है। ये था आपका फिफ्थ वन पॉइंट, ठीक है ना। इसके बाद में इसका कंपेरिजन अगर करते हैं तो सिक्स्थ वन पॉइंट मास और चार्ज में और क्या डिफरेंस आपका बच जाता है, एक डिफरेंस आपका बचता है इसमें यहाँ से, और ये आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज मैंने आपको बता दिया, और कोई पॉइंट यहाँ पे, तो सिक्स्थ वन पॉइंट आपका यही बच जाता है यहाँ से कि चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, फ्रैंकलिन ने बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, अर्थात आवेश के दो
प्रकार होते हैं, जैसा आप लोग सब जानते हैं कि एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश दो प्रकार का होता है, जबकि यहाँ पे आपका क्या है कि मास जो है वो केवल एक ही टाइप का होता है और वो केवल पॉजिटिव होता है। मास इज ओनली वन टाइप, एक टाइप का है और वो भी पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। ये था आपका यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 था, ठीक है। इसके बाद वह यहाँ पे और कोई पॉइंट बचता है चार्ज और मास के बारे में जो हमें इनमें कंपेरिजन करनी थी। और इसके बाद में आपका इनवेरिएंट बता दिया कि वो वेलोसिटी पे से इंडिपेंडेंट है, वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ से आपके 6-6 पॉइंट आ जाते हैं जो बेसिक्स हैं, इनमें हम चार्ज और मास की कंपैरिजन कर सकते हैं। पहला तो क्या है कि ये एक व्युत्पन्न क्वांटिटी है अर्थात डिराइव्ड है, और ये फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। और चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, व्हाइल मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, अर्थात आवेश द्रव्यमान के बिना असंभव है, लेकिन द्रव्यमान जो है वो आवेश के बिना संभव है। चार्ज इज कंजर्व, और जबकि यहाँ पर मास इज नॉट कंजर्व अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। यहाँ पर जो डेल्टा एम आता है उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट, ठीक है ना। मास डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान क्षति, ठीक है। और फोर्थ वन पॉइंट है कि जो चार्ज जो होता है वो पोजीशन पर डिपेंड होता है, वो सॉरी पोजीशन से इंडिपेंडेंट है कि कोई भी वस्तु स्थिर हो या विराम, वो सॉरी अगर गति में हो तो चार्ज की वैल्यू फिक्स ही होती है, जबकि मास जो होता है वो गति और विराम की अवस्था पर डिपेंड होता है। जब वस्तु स्थिर होती है तो उसका मास कम, और जब वस्तु के पास कोई वेलोसिटी या चाल होती है तो उसका मास जो है वो पहले से बढ़ जाता है। इसमें क्या है कि चार्ज का जो क्वांटीकरण है वो क्वांटीकरण हो चुका है कि कोई भी बॉडी पर जो चार्ज होगा, आवेश का मान जो होगा वो क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ए की फॉर्म में होता है, जबकि मास का क्वांटीकरण अभी तक हो नहीं पाया है कि फंडामेंटल कौन सा पार्टिकल है जिससे एवरीथिंग या हर चीज़ बनी हुई है। छठवां पॉइंट क्या है इसमें कि चार्ज के टाइप दो होते हैं जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, जबकि मास का केवल एक ही टाइप है और वो हम इसको पॉजिटिव मानते हैं। तो ये थे आपके बेसिक कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास, ठीक है ना। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो उसको समझना है क्योंकि अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करते हैं। सारे वीडियोस को आपको पूरा एंड तक देखना है जिससे कि आपका कोई पॉइंट बचे नहीं, और कोई भी किसी भी पॉइंट पर किसी बच्चे को डाउट है तो देन वो मुझे कमेंट में लिख करके बता सकता है। तो यहाँ से नेक्स्ट वन पॉइंट स्टार्ट हम करते हैं, वो आते हैं आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था कि कोई भी जो आवेशित कण हो, चार्ज पार्टिकल हो, उसके चारों ओर का वह फील्ड या वह एरिया जहां पर अन्य कोई आवेशित कण एक बल का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को हम उस वैद्युत आवेशित कण का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना। और क्षेत्र के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी टाइप का क्षेत्र हो, जैसे अलग अलग क्षेत्र होते हैं, वैद्युत क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, तो क्षेत्र वो पर्टिकुलर बाउंड्री होती है या परिसीमा है जहाँ पर किसी भी प्रकार की एनर्जी स्टोर हो सकती है, अर्थात कोई भी प्रकार की ऊर्जा का संचय हो सकता है। तो इंटेंसिटी आपका यहाँ से ई इसका सिंबल आता है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आती है कि जैसे मान लेते हैं कि जैसे कोई भी चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आवेशित कण क्यू है, इसके चार ओर ये इसका वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। यहाँ से आपका अब यहाँ पर अब इंटेंसिटी बताती है कि कोई भी किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर एकांक आवेश पर कितना बल कार्य करता है, उस पॉइंट पर वो उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट
एट एनी पॉइंट, यहाँ पर किसी बिंदु पर एकांक आवेश पर, एकांक आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के आंकिक मान के बराबर होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर होता है, ठीक है ना। ये आपका इसकी डिफाइन आ जाती है, बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से E इज इक्वल टू आता है आपका F अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट आपका क्या है कि क्यू नॉट को यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि क्यू नॉट को यहाँ पर मानते हैं टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। और टेस्ट चार्ज का मतलब होता है परीक्षण आवेश, ठीक है ना, परीक्षण आवेश है। और परीक्षण आवेश जो होता है टेस्ट चार्ज, इसको हम हमेशा पॉजिटिव मानते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो सेल्फ एमिटिंग फील्ड, अर्थात उसके द्वारा, खुद के द्वारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि टेस्ट चार्ज के बारे में खास पॉइंट ये है कि इसकी वैल्यू इतनी होती है कि इसके फील्ड से दूसरे जो चार्ज पार्टिकल के फील्ड पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये आपका टेस्ट चार्ज था। अब यहाँ पर तो इसकी यूनिट आती है, सबको पता है, न्यूटन है। और अपर में इसकी आती है कूलाम, ठीक है ना। तो इसकी यूनिट बन जाती है न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। यहाँ से आपके ये इसका फॉर्मूला आया था, इक्वेशन। अगर आप यहाँ से इसका डायमेंशनल इक्वेशन निकालना चाहते हो, डायमेंशनल इक्वेशन, या इसको बोलते हैं हम हिंदी में विमीय समीकरण, तो हम निकाल सकते हैं। तो E का अगर हमें निकालना है तो F का आपको बताइए कि एम एल टी माइनस टू है, और Q इज इक्वल टू आपका आई टी है, ठीक है ना। और I का आता है A और इसका आ जाता है T। तो यहाँ से इसका डायमेंशनल इक्वेशन बन जाएगा एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है कि अगर मैं इंटेंसिटी की अगर कोई भी पॉइंट पे, तो इसकी पहले वेक्टर फॉर्म भी बना लेते हैं हम यहाँ से। इसकी अगर वेक्टर फॉर्म हमको लिखनी है, वेक्टर फॉर्म सदिश रूप, तो यहाँ से E पे वेक्टर इज इक्वल टू आ जाता है F पे वेक्टर अपॉन में Q नॉट, ठीक है ना। यहाँ से क्योंकि आपको पता है जो चार्ज जो होती है, आवेश जो होता है, वो स्केलर क्वांटिटी है, अदिश है, और यहाँ पे इधर वेक्टर और इस पे वेक्टर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इजी सी बात एक क्या है कि जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही डायरेक्शन इंटेंसिटी की भी होती है, अर्थात जो डायरेक्शन बल की है वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की होती है, अगर चार्ज पॉजिटिव हो तो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये आपको पॉइंट नोट करना है कि किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना, इंटेंसिटी वेक्टर की डायरेक्शन वैसा धनावेश पर पॉजिटिव चार्ज पर बल की दिशा में होती है, दिशा में होती है। और या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है वो ऋण आवेश पर बल की दिशा के विपरीत होती है, अर्थात अपोजिट में होती है, विपरीत होती है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इन द विल बी एज सेम एज दैट ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई ए पॉजिटिव चार्ज इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। तो किसी भी बिंदु पर जो धन आवेश होता है उसकी, उस पर जो बल की डायरेक्शन होती है वो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी डायरेक्शन होती है। अगर पॉजिटिव चार्ज के बजाय अगर आपका चार्ज माइनस चार्ज है तो उस पर जो बल होगा उसके अपोजिट में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इंटेंसिटी वेक्टर की डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पे अब हमें निकालना है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, ठीक है ना। तो एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन इनसाइड ए फील्ड। अब यहाँ पे मान लेता हूँ ये आपका सोर्स चार्ज है, ठीक है ना। सोर्स चार्ज का अर्थ क्या है कि हम इसके वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं और इससे r दूरी पर कोई पॉइंट P है, तो इस पॉइंट पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या है कि इस P बिंदु पर अगर मैं यहाँ पर टेस्ट चार्ज मान लेता हूँ Q नॉट, तो यहाँ से क्या है कि बिंदु P पर, तो E के लिए व्यंजक, ठीक है ना, सूत्र
व्यंजक मतलब एक्सप्रेशन फॉर ई, कोई भी पॉइंट पे डाउट है बताना है। तो यहाँ से आपका क्या है कि अब सबसे पहला क्या है कि अगर हमें इस पॉइंट पर अगर इंटेंसिटी निकालनी है, अगर तीव्रता के लिए व्यंजक निकालना है सूत्र, तो यहाँ पर क्या है कि अगर जो हमने कोई भी चार्ज माना है, कोई भी आवेश माना है, उस आवेश पर इस सोर्स चार्ज का कितना बल है, सबसे पहला पॉइंट ये है, क्योंकि E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट होता है। तो सबसे पहले चाहिए हमें बल, ठीक है ना, बल की वैल्यू। अब बल की वैल्यू अगर निकालनी है तो P पर स्थित Q नोट आवेश पर बल, तो फोर्स की वैल्यू, इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स की वैल्यू निकालते हैं हम, तो फोर्स की वैल्यू कूलाम के अकॉर्डिंग आ जाती है, और कूलाम का हमें बताता है कि 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। इसके बाद में अब यहाँ से अगर इंटेंसिटी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट, ये क्यू नोट क्या है, ये क्यू नोट वो चार्ज है जिस, ये वो चार्ज है जो उस बिंदु पर स्थित है जिस बिंदु पर हमें इंटेंसिटी निकाल ली है, जबकि क्यू क्या है, वो सोर्स चार्ज है जिसका वो फील्ड है, उसके फील्ड में हम जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, ठीक है ना, तीव्रता निकाल रहे हैं। तो एफ की वैल्यू आपकी 1/4πε0 Q Q नोट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन में क्यू नोट, तो क्यू नोट से अगर क्यू नोट काटते हैं तो इट विल बिकम 1/4πε0 Q/r². तो ये आपका इंटेंसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका इक्वेशन है। अगर इसकी हमें वेक्टर फॉर्म यहाँ पे लिखनी होती है तो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में क्या है कि अगर हमें इसका वेक्टर फॉर्म इसकी मैं लिखता हूँ तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू आता है आपका, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ वेक्टर फॉर्म सदिश रूप ऑफ इंटेंसिटी वेक्टर, ठीक है ना। तो E की वैल्यू 1/4πε0 और Q/r², ठीक है ना। अब यहाँ से क्या है कि इधर E वेक्टर है तो यहाँ पर 1/4πε0 तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, और ऊपर जो चार्ज है वो वैल्यू आपकी स्केलर है, अदिश है, और यहाँ पर आ जाता है आपका आर स्क्वायर। तो ये आर क्या है, ये होता है आपका पोजीशन या स्थिति, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि इसमें कोई भी इक्वेशन में वेक्टर का किसी भी क्वांटिटी के अपॉन में आना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वेक्टर का अभी तक जो भाग होता है वो अनडिफाइंड है, अर्थात कोई भी क्वांटिटी का भी वेक्टर जो होगी वो अपॉन में तो आएगी ही नहीं। तो यहाँ पर इस पर हम यूज करते हैं फॉर द डायरेक्शन आर कैप, ठीक है ना। आर कैप का आपका क्या है, इसको बोलते हैं यूनिट वैक्टर, एकांक वैक्टर है, ठीक है। इट मैंसन ओनली डायरेक्शन हेयर, ये केवल हमें यहाँ पर डायरेक्शन के बारे में बताता है, और आर कैप विल बी इक्वल टू आर वैक्टर अपॉन आर। तो यहाँ से ई वैक्टर विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q/r³ ये आपकी आ जाती है इंटेंसिटी की वैक्टर फॉर्म यहाँ से, ठीक है ना। ये था इसके बाद में, ये तो आपका था पॉइंट कि जब हमें एक बिंदु, एक ही पॉइंट चार्ज से अर्थात एक ही बिंदु आवेश से जो है कोई पॉइंट पर अगर हमें इंटेंसिटी निकालनी थी, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका क्या था कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको चार्जिंग के जो मेथड थे तीन, उनके बारे में बताया था, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन, अर्थात घर्षण, चालन, और एक था आपका प्रेरण, ठीक है ना, इंडक्शन था। इंडक्शन में एक पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट एक चीज़ हमेशा ध्यान करनी है कि जो इंडक्शन जो होता है वो केवल बॉडीज़ के लिए ही एप्लीकेबल है, अगर कोई पार्टिकल्स होता है तो पार्टिकल्स में इंडक्शन इम्पॉसिबल है। तो ये आपका क्या है कि यहाँ पर इसकी वेक्टर फॉर्म है। अब यहाँ पर क्या पॉइंट है कि अगर हमें किसी बिंदु पर, इसी बिंदु पर जहाँ पर हमने टेस्ट चार्ज माना है और बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स से अगर हमें इंटेंसिटी निकालनी है तो वहाँ पर भी हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत ही काम करता है। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और वेक्टर क्वांटिटी जो होती हैं उनमें एप्लीकेशंस में ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आता ही है। तो यहाँ पे नेक्स्ट वन पॉइंट आपको बता देता हूँ मैं कि आवेशों के समूह के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस,
अर्थात बहुत सारे अगर चार्ज पार्टिकल्स हों और उस उन सब के कारण हमें अगर किसी पॉइंट पर अगर इंटेंसिटी निकालनी है तो वो कैसे हम निकालते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि ये पॉइंट कोई पॉइंट पी है जिस पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी निकालनी होती है। इसके बाद में आपका क्या है कि और इससे बहुत सारे चार्ज पार्टिकल क्यू वन, पोजिशन वैक्टर इनकी आर वन वैक्टर, आर टू वैक्टर, यहाँ पर क्यू थ्री तो आर थ्री वैक्टर एंड सो ऑन, और भी पार्टिकल्स हैं तो क्यू एन आर एन वैक्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पे एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, अर्थात चार हों पाँच हों छः हों सात हों। तो यहाँ से आपका क्या है कि ये हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन अध्यारोपण का सिद्धांत बताता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, ठीक है ना। अध्यारोपण का सिद्धांत हमें बताता है यहाँ पे, अध्यारोपण का सिद्धांत कि उस पॉइंट पे टोटल इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इंटेंसिटीज, ठीक है ना। सभी जो वैद्युत अर्थात इस बिंदु पर कुल जो तीव्रता आएगी आपकी बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स के कारण, तो जो कुल तीव्रता आएगी वो सभी पार्टिकल्स सभी जो आवेशित कण हैं उनकी अलग अलग तीव्रताओं के वेक्टर सम के बराबर आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से तो E वेक्टर विल बी इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं तो 1/4πε0, तो सब में आएगा ही, ठीक है ना, कॉमन। इसको अगर मैं बाहर करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से आपका आ जाएगा Q1/r1 पे Q1 टू r1 वेक्टर प्लस Q2/r2 पे Q2 r2 वेक्टर डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे Qn/rn पे Q r n वेक्टर, ठीक है ना। तो ये आपके सभी जो पार्टिकल्स हैं एन पार्टिकल्स के कारण कुल टोटल इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाती है। और दूसरा, अगर आपको किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है, तो मैंने आपको जो कूलम्बियन फोर्स था उसमें जो मैंने आपको अध्यारोपण का सिद्धांत बताया था उस हिसाब से भी हम निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे कोई भी पॉइंट है यहाँ पर है और इस पॉइंट पर आपका क्या है, एक पार्टिकल यहाँ पर है Q1, दूसरा पार्टिकल आपका यहाँ पर है Q2, और जिस पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी निकालनी होती है वहाँ पर मानते हैं हम हमेशा परीक्षण आवेश या फिर टेस्ट चार्ज है, ठीक है ना। और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव मानते हैं, हम अज्यूम करते हैं। तो ये पॉजिटिव है यहाँ पर और ये भी अगर पॉजिटिव है तो इसकी इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में आ जाएगी और इसकी इस डायरेक्शन में आ जाएगी, इन दोनों के कंपोनेंट, ठीक है ना। एक इसका कंपोनेंट इधर, इसका कंपोनेंट इधर, इसका कंपोनेंट इधर और इसका कंपोनेंट इधर। फिर जो हॉरिजॉन्टल वाले हैं, क्षैतिज वाले हैं, उनका हमें कुल टोटल जो इंटेंसिटी फाइंड कर लेंगे EH, और ऐसे ही आपका जो वर्टिकल वाले का भी EV, ठीक है ना। और फाइनली लास्ट में दोनों का यहाँ पे EH² + EV² ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन बताया था, जो मैंने आपको कूलाम का जो अध्यारोपण का सिद्धांत था इससे लगभग 2 या 3 वीडियोस पहले था, ठीक है ना। ओके, इसके बाद जो इंटेंसिटी के बारे में जो भी पॉइंट्स हैं वी विल स्टडी इन अवर नेक्स्ट वीडियो। ओके गाइस, थैंक यू।